5 मार्च को आरडब्ल्यूए का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें प्रधान पद के लिए अंकित त्यागी साथ ही अन्य पदों पर भी पदाधिकारी चुने गए। चुनाव के पश्चात आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आगमन सोसाइटी में किया गया। शपथ के दौरान प्रधान अंकित त्यागी ने आगमन सोसाइटी के सभी निवासियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा सोसाइटी के लोगों ने जो विश्वास और भरोसा मुझ पर दिखाया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। प्रधान अंकित त्यागी के अलावा सुरेश गोयल उपाध्यक्ष, आरती शर्मा सचिव, इंदु उपाध्याय संयुक्त सचिव, रचना जिंदल कोषाध्यक्ष, टावर प्रबंधक मधु सिन्हा, पंकज कुमार, धर्मेंद्र सोलंकी, लीना गोयल, तनु शर्मा, सुन्नी कपूर, ओमलेश, राजीव जैन, पूजा जोशी, प्रीति सोनारे, राकेश कुमार, पूजा राणा, अजय गुप्ता चुने गए। देखिए, सबसे पहले बताना होगा, मेरा नाम अंकित त्यागी है और जैसे सभी सदस्य यहाँ पे हम लोग सब ऐसे ही हैं। पिछले 3 साल से हम भी यहाँ पे लोग कार्यरत थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। हमने लेके कैंडल मार्च से धरने सब चीज़ें हम लोगों ने की है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। तब तक हम लोग यहाँ कोई पावर नहीं थी, ना ही किसी के सामने कोई लेखा जोखा था कि क्या हिसाब होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो जो चीज़ हमने फेस की थी, वही चीज़ें हमने अपने एक मैनिफेस्टो में लेके आए थे हम लोग। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ होते, कोई भी सोसाइटी में कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो एसटीपी हो, या कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो सोसाइटी किसी लोग को नहीं पता होता, तो हमारी प्राथमिकता यही थी पहले कि हम कोई भी काम करेंगे तो वो सोसाइटी को बता करेंगे, जिसमें पूरी सोसाइटी जब ओके करेगी तभी हम कोई एक्शन उसमें लेंगे। हाँ, सबसे पहले जो प्राथमिकता हमारी, हमारी सोसाइटी हमारी प्राथमिकता है, शांति रखनी है, वहाँ पर आराम से चीज़ों काम करना है। जो भी यहाँ के खर्चे हैं, चाहे वो 1 रुपये खर्चा है, चाहे वो 10 रुपये खर्चा है, सोसाइटी के किसी भी बंदे ने अगर 500 रुपये भी अपना मेंटेनेंस दिया है या आपको भी चार्ज दिया है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसने अपना 1 रुपये कहाँ पे खर्च किया है। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पे अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम एक फायर का था, तो हमारे यहाँ फायर की आग वाग लग गई थी, तो कोई भी सिस्टम हमारा अपडेट नहीं था, तो ये सब चीज़ें भी हमें अपडेट करनी है। डोर टू डोर जा करके हमें जो है लोगों से ये भी पूछना है कि इनकी दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि 5 साल से जो वादे बिल्डर ने किए थे, जो सबको पता है, क्योंकि यहाँ किसी को यहाँ नहीं, ये भी नहीं पता है कि बिल्डर के और आरडब्ल्यूए के एक्चुअल में क्या क्या जो अंडर में आते हैं, तो वो प्रॉपर क्या क्या हेड हैं, तो वो सबके सामने बता करके उन चीज़ों को सबके सामने लाएंगे, लाने के बाद उसको स्मूथली रन कराएंगे। जैसे सोसाइटी के हर बंदे को पता होना चाहिए कि उनको दिखना चाहिए कि हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, सोसाइटी के लोग लगना चाहिए कि हाँ अब हमारी टीम है, सोसाइटी के लोग लगना चाहिए कि अब ये काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अंकित त्यागी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे पूरी की पूरी टीम आगमनवासी है और पूरी आगमनवासी ही अंकित त्यागी है। अब सोसाइटी के लोगों को जो क्या हुआ, क्या था स्टार्टिंग में, तो कि जो यहाँ पे फ्लैट सेल किए गए थे, वो बताया यही गया था लोगों को कि आपको जो है 5 साल तक मेंटेनेंस को पे नहीं करना है। अब वो चीज़ें कुछ ऐसी रही हैं सामने कि कुछ लोगों ने पे किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ लोगों को गुमराह किया गया, तो लोगों को समझाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। जैसे हम लोग वोट मांगने गए थे, तो हम डोर टू डोर फिर भी जाएंगे, डोर टू डोर जाने के बाद हम लोगों की जो प्रॉब्लम वो भी सुनेंगे, ताकि हम उस जो पेमेंट पड़ी हुई है वो निकाल भी पाएँ। सोसाइटी को रन करने के लिए उसको रिकवरी भी जरूरी है, लेकिन रिकवरी के साथ साथ जो सोसाइटी की लोगों ने 3-4 साल से जो चीज़ें झेली है ना, वो करना बहुत जरूरी है, चाहे वो धीरे धीरे हो, कुछ भी हो, एकदम तो कुछ चीज़ें हो गई नहीं कि हम ब्रह्मा जी हो गए, हम तथा बोले सारे काम हो गए, लेकिन करेंगे सब चीज़ें। मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो एक लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था कि सारी चीज़ें जो मैंने ऐसे झेली हैं, एक कहावत है कि अगर ये टावर होता है, एक टावर में सपोज करो कि 112 फैमिलियाँ हैं और उसमें जैसे मेरा T6 है, T6 में 1001 है मेरा, तो अगर मान लो सपोज करो मेरे ही घर में पानी ना हो, तो वो पानी खाली मेरे घर में नहीं होगा, वो पूरे टावर में नहीं होगा। अगर मुझे अपने घर के लिए पानी मंगाना है, तो मुझे पूरे टावर के लिए मंगाना पड़ेगा, हो सकता है टावर के साथ साथ पूरी सोसाइटी में ना हो, तो एक चैन सिस्टम बना हुआ है। अगर मुझे कोई चीज़ ठीक करनी है, तो मुझे वो काम पूरी सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। 1456 लोगों को यही समझना है, हमें पूरी यूनिटी बना रखनी है, गुटबाजी खत्म करनी है, सबको एक रहना है। अगर एक आवाज़ पर 10 लोग आपके यहाँ नीचे खड़े हो, तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लोग जब एंट्री करें सोसाइटी के अंदर, लगना चाहिए कि हाँ अब ये आगमन सोसाइटी है, वेलकम टू आगमन, लगना चाहिए कि आप उसमें आ चुके हैं। मैं सर्वप्रथम जो पत्रकार बंधु आए उनका जुड़ के हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, सारी सोसाइटी का जिन्होंने हमारे को इस लायक समझा, हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे को सबकी सेवा करने का मौका दिया। मैं और मेरी टीम हर संभव कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करें, निडरता से करें, बगैर किसी कमीशन खाए, कोई पैसा खाए, ऐसा काम नहीं होने देंगे। और सोसाइटी के भले के लिए सारे सोसाइटी वासियों का सहयोग लेके, सुझाव लेके अच्छे से अच्छा काम करेंगे। ये हमारी टीम है, मातृशक्ति हमारे साथ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमारे को सहयोग दिया। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हमारे को हराने के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी हमारे को इस लायक समझा, उन्होंने हमारे को और मेहनत करने की ऊर्जा दी कि आप दिन रात मेहनत करो। सोसाइटी ने हमारे बारे में देखा, समझा, हमारी काबिलियत को समझा और हमारे को इस लायक बनाया।
मैं सारी सोसाइटी का हाथ जोड़ के और नतमस्तक हो के हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और कुत्तों, आवारा कुत्तों से निजात दिलाएं। सोसाइटी में जिन्होंने पालतू कुत्ते रखे हुए हैं, उन भाइयों से निवेदन है वो अपने कुत्तों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन दो अड़ोसी पड़ोसियों के जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उसको कराकर RW ऑफिस में जमा कराए, जो वो मैसेज हम थोड़ी देर में सारी सोसाइटी में सर्कुलेट कर देंगे। आज हमारे को शपथ ग्रहण अथॉरिटी मिल गई, उसके बाद जो बेटर से बेटर काम होगा सोसाइटी के सुझाव से वो करने की हर संभव कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं फेज टू के टावर 12A का प्रबंधक के पोस्ट पे सभी सर्वसम्मति से पदासीन हुआ हूँ। तो मैं टावर 12A के जो भी परेशानियाँ होगी, जो भी इशू होंगे उनके निवासियों को, वो सारे पॉइंट्स को लेकर के हम RAW के पास, कमेटी के पास रखेंगे और उसे निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं नए टीम में एक मेंबर की तरह काम करूंगा। यहाँ पे 12-13 टावर हैं, 13 टावर मैनेजर से टच में रहूंगा, उनके पॉइंट्स को, उनके इशूज को, हमारे यहाँ जो भी इशूज हैं एक दूसरे कैसे उन्होंने टैकल किया है, उसी तरीके से मैं भी अपने टावर के इशूज को सुलझाने की कोशिश करूँगा।